हाय गाइस वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो है KTM Duke 790 के बारे में। बेसिकली मैं आप सभी को बताऊंगा ऐसे पांच रीजन जिसके लिए आपको KTM Duke 790 खरीदना चाहिए। तो सबसे पहला रीजन है लुक एंड डिजाइन। इस बाइक की फ्रंट लुक ऑलमोस्ट ड्यूक 390 जैसा ही है, लेकिन ओवरऑल डिजाइन दूसरे और सभी KTM बाइक से अलग है। मतलब ये बाइक देखने में बिल्कुल एक बीस्ट की तरह ही है। अगर आप इस बाइक को लुक एंड डिजाइन के लिए खरीदना चाहते हो तो मेरी तरफ से हाँ है। दूसरा रीजन है परफॉर्मेंस। इस बाइक में आपको मिलेगा 799cc का पैरेलल ट्विन सिलेंडर DOHC इंजन, उसके साथ फ्यूल इंजेक्शन एंड लिक्विड कूलिंग की सिस्टम। पावर आपको मिलेगा 104 BHP का, जो प्रोड्यूस करता है 9000 RPM, और मैक्सिमम टॉर्क है 87 Nm का, जो प्रोड्यूस करता है 8000 RPM। मतलब परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई शिकायत नहीं होगा। तो तीसरा रीजन है राइडिंग मोड्स। इस बाइक के साथ आपको मिलेगा कुछ बेहतरीन राइडिंग मोड, जिसमें पहला है स्पोर्ट मोड। ये मोड उन लोगों का है जो एग्रेसिव राइड करता है। दूसरा है स्ट्रीट मोड, जो है अर्बन राइड के लिए। तीसरा है रेन मोड, जो है स्लिपरी रोड के लिए। और चौथा है ट्रक मोड, जो है अल्टीमेट फुल बीस्ट। तो चौथा रीजन है प्राइस। KTM Duke 790 की प्राइस है 8.64 लाख एक शोरूम दिल्ली। अगर आप सोचे तो KTM Duke 125 का प्राइस है 1.32 लाख एक शोरूम दिल्ली। मतलब एक 800cc बाइक के लिए ये प्राइस सूटेबल है। तो आज की नेक्स्ट एंड लास्ट रीजन है ब्रांड वैल्यू। अगर आप KTM की बाइक पसंद करते हो और सिर्फ KTM का बाइक लेना चाहते हो और दूसरा बाइक पसंद नहीं करते, तो ये बाइक सिर्फ आपके लिए ही है। तो गाइस आपको क्या लगता है KTM Duke 790 के बारे में, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि Duke 790 की कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in. I'm